मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी में आज एक रोड शो करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए इस तरह से यहाँ पे एक बुलडोजर लगाया गया है। दरअसल जो छवि है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा की, उसको एक तरह से प्रमाणित करने के लिए जहाँ जहाँ भी सीएम आजकल जा रहे हैं इस तरीके से जो है बुलडोजर भी लगाए जा रहे हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस बुलडोजर की। इसके ठीक सामने जो है रथ तैयार किया गया है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जो प्रत्याशी हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह उनके साथ रोड शो करेंगे और इसके लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। माना ही जा रहा है कि जो गढ़ है ये मुलायम सिंह का इस बार एक कड़ी चुनौती देना चाहती है बीजेपी और इसीलिए यहाँ से जो योगी सरकार मंत्री है ठाकुर जयवीर सिंह उनको मैदान में उतारा है और बीजेपी इस लड़ाई को बेहद दिलचस्प बनाना चाहती है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश में मैनपुरी को मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। यहाँ से डिंपल यादव जो है वर्तमान में सांसद है लेकिन डिंपल यादव को चुनौती देने के लिहाज से ही इस तरह से जो है वो एक बड़ा रोड शो यहाँ पे किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जयवीर सिंह के आने के बाद जो मुकाबला है वो थोड़ा दिलचस्प जरूर हो गया है लेकिन ये कितना चुनाव को प्रभावित करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाने की जरूर यहाँ पे कोशिश की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस रोड शो में शामिल होंगे और एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश होगी। जो यादव लैंड है वहां पर डिंपल यादव के लिए एक चुनौती खड़ा करने की कोशिश हो रही है और इसीलिए आज जो है मैनपुरी में इस रोड शो का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। कर्मश विशाल वर्मा के साथ ब्रह्मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, मैनपुरी।